हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। सहादरा थाने की टीम ने छतरीवाला पार्क नवीन सहादरा से एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया और एक जुबिनाइल को पकड़ा। चोरी के साथ दुपहिया वाहन बरामद किए। डीसीपी रोहित मीना ने सोमवार की दोपहर 2:05 पर मीडिया को जानकारी दी कि सहादरा थाने की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया, उसके साथ एक जुबिनाइल को पकड़ा है, साथ में चोरी के साथ दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। आगे डीसीपी ने बताया कि सहादरा थाने के एसएचओ संजीव वर्मा के देखरेख में एक टीम जिसमें एएसआई राहुल चौधरी, एएसआई प्रमोद, हेड कांस्टेबल रवि, हेड कांस्टेबल मोनू, हेड कांस्टेबल प्रमोद टीम में शामिल थे, जो कि शाम के समय छतरीवाला पार्क नवीन सहादरा के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी एक स्कूटी पर दो लड़कों को देखा और उन्हें चेकिंग के लिए रोकने का इशारा किया, मगर वह यू टर्न करके भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उस स्कूटी के दस्तावेज मांगे तो वह नहीं दिखा सके। स्कूटी का नंबर ट्रेक किया तो वह चोरी की पाएगी, जो कि 1 मार्च को चोरी की थी, जिसके बाद दोनों की उम्र चेक की तो उनमें से एक जुबिनाइल निकला, जिसके बाद एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया और जुबिनाइल को पकड़ा और उसके बाद थाने लेके आए। जब पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल किया और अन्य 6 ऑटो लिफ्टिंग के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इनके कहने पर 6 दुपहिया वाहन और बरामद किए, जो कि चोरी किए थे। आरोपी की पहचान राहुल जायसवाल पुत्र शंभु जायसवाल के रूप में हुई, जो रहने वाला सर्कुलर रोड मुकेश नगर दिल्ली का है। इसकी उम्र 18 साल है। इसके साथ एक 17 साल का जुबिनाइल को भी पकड़ा है। दोनों से पूछताछ जारी है। आरोपियों के कब्जे से टोटल चोरी के 7 दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। पूछताछ जारी है।